अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, क्या हाल है। बड़ी लंबी चौड़ी कमेंट्स होते हैं जनाब, ये बताएं वो बताएं। मेरे दोस्त, अगर मैं कमेंट्स में आपको रिप्लाई करता रहूं तो मेरी सारी रात ही गुजर जाएगी, तो फिर मैं कैसे, दिन भी गुजर गया और रात भी गुजर गई, ऐसा नहीं हो सकता। तो फिर मैं जो आपकी डिमांड्स होती हैं उसको वक्तन फवक्तन मैं अपलोड करता रहूंगा। बाज लोगों की बाज फरमाइशें होती हैं वो नंबर वाइज मैं लिख लेता हूं, ठीक है, वो आपकी फरमाइश भी पूरी होगी, वक्त आ जाएगा। किसी दोस्त ने मुझे कुछ तालमास के बारे में कहा है, जिसने बनाना है आ जाए मेरे पास, इधर तैयारी करके दूंगा, ठीक है, आ जाए, जिसका जी चाहता है आ जाए, जारी भी होगा। दावे तो करते हैं जारी के, लेकिन जारी नहीं है किसी का, हम जारी करेंगे इंशाल्लाह, होगा, मेरा वादा है आपसे। आज मैं आपको कुछ दा सिक्का, इसको मामूली ना समझे, ये सिक्का गंधक है, ठीक है। एक पाव पिघला लें नीम के डंडे के साथ, या आग का डंडा हो या बोर्ड का डंडा हो, इसको हिलाते जाएं, ये बसम हो जाएगा। आप फिर हिलाते जाएं और गंधक आमला सार की चुटकियां दे 10 तोला की, 100 ग्राम की, आग को स्लो कर लेना है, हल्की आंच, बहुत हल्की। अब इसकी चुटकियां दें और डंडे से हलाएं, फिर कैमो नार सिमल फार 1 तोला उसकी चुटकियां दें, फिर आपने कैमो नार पारा लेना 1 तोला उसकी चुटकियां दे दें। अब इसको खरल करते जाएं, गिल हिकमत करके इस सिक्का को आपने 5 किलो की बांध आग देनी है, फिर निकाल लें। फिर आपने इसको सिमल फार और पारा कैमो नार की फिर चुटकियां देनी है, ठीक है, और नीम का डंडा ले लें, बोर्ड का ले लें, आग का ले लें, कुवार गंदल का ले लें, इसको खरल करते जाएं, हलाते जाएं। इस तरह आपने 10 अमल करने हैं। कितने अमल करने हैं? 10। ये आपका अकसीरी, आपकी दाब है, यानी 10 तोला कायम सिमलफार, 10 तोला कायम मुन्नार पारा, अब इस सिक्का का हिस्सा है, और 10 तोला ही गंधक आमला सार, 1 पाव आपका सिक्का था, ठीक है, और 10 आपने इसको बंद आग दी है एंड पे, सिमल और पारा कैमो नार की चुटकियां लगाने के बाद। अब ये खुराकी तौर पर 1 चावल 1 बंदे के लिए काफी है, दूसरी खुराक की जरूरत पड़े तो हफ्ता के बाद देनी है। और ये 1 रत्ती 5 तोला नुकरा, 5 तोला तांबा, उसको ये शमस करेगा। तो बताएं, नाम का सिक्का है लेकिन काम देख लें, ठीक है। तो मेरे दोस्त, मैं तलाश करता हूं कि आपको ऐसी बात बताऊं जो चीज आपकी पहुंच में हो। मैं ऐसी जड़ी बूटी का नाम लेना नहीं चाहता जो आपकी पहुंच में ना हो। ये अमल अगर आप करेंगे तो ये होगा, ऐसे नहीं है कि ये काम नहीं होगा। लेकिन जब हम अकसीर बनाना चाहते हैं, बड़े काम करना चाहते हैं, तो उनके लिए मेहनत तो फिर दरकार है ना, तो इसलिए मेहनत करें और फायदा उठाएं।